सलाम जोहार, हैं? आराम से बैठे हो, खाना खाए हो? खाना खाएगा? ओए, देखो देखो देखो, अच्छे टाइम पे आए रोहन ना? एकदम करेक्ट टाइमिंग। हाँ, क्या है? क्या हुआ? चलो खाओ खाओ, हाथ से उठा के खाएंगे। खाओ, वो हाथ से खेलने देंगे और वो चम्मच से मैं खिलाऊं। कमन कमन रोहन, खाओ। हाँ? क्या है ये है, खाओ। अच्छा है। इसको ऐसे पकड़ते हैं बेबी, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ो, हाथ के पकड़ो। हाँ ऐसे, हाँ ऐसी कुर्सी लेके हम कार में रख देंगे, है ना? जब भी ऐसे बैठा लोगी ना, हाँ, तो वो जान जाएगा मुझे खिलाने वाले हैं, कुछ खिलाने वाले हैं। हाँ, उठाओ उठाओ, वेरी गुड। ऐसे वो उठाना सीखेगा। हाँ ये लो, खाएंगे इधर से। हाँ वो भी उठाते जाओ, खाते जाओ, वो भी उठा दीजिए बेबी। अरे वाह, सोए थे? इतना हैप्पी हो गया ना, जैसे ही उसको इधर चेयर पे बिठाया, आज बैठा भी ऐसे सीधा एकदम। स्माइल देके बैठे हैं। ठीक है, इससे पहले यार इस पे बिठाया था तो ऐसे से हो रहा था, आज एकदम सही बैठा है। बैठे आज के बाद उसको खाना मिला, केले के पीसेस भी देने। पहली बार रूहान इस तरीके से इस चेयर पे बैठ के अपना खाना खा रहा है, इसलिए मैं वीडियो निकाल रही थी ताकि शोएब भी देख सकें। बच, खेल ले, ले खेल ले। क्या है, खाना पहचानो अपना, क्या है? डोंगा ही खाना, पूरा डोंगा खाना है। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, ये देखिए, आराम से अपने चेयर पे बैठ के आज रूहान ने जो है अपना फ्रूट इंजॉय किया है। और अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ अपना अजवाइन का पानी, जो मैं पहले से पिया करती थी, और फिर बीच में ना ऐसे नहीं कि इंटेंशनली बंद किया, पर वो दिमाग से हट गया। एक दो दिन गैप हुआ तो दिमाग से हट गया, फिर कल मुझे अम्मी ने याद दिलाया कि तुम अजवाइन का पानी पिया करती थी, वो भूल गई। तो मैं बोला हाँ, फिर अम्मी ने मुझसे पूछा कि पी रही हो या बंद हो गया, तो मुझे याद आया कि नहीं, वो मैंने बंद कर दिया है, तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं जब ये पीती हूँ तो मुझे, या वो इत्तेफाक से हुआ है या जेन्यूनली ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, कि रूहान को पेट की तकलीफ कम होती है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होती है, उसे कॉलिक बहुत कम हुआ है थ्रू आउट जब तक मैंने अजवाइन का पानी पिया है। तो मैंने आज से फिर से स्टार्ट कर दिया, और अभी फिलहाल देखिए आराम से लेट के अम्मी और रेहान के साथ खेल रहा है। ये देखो, नो नो, ऐसे दूर से देखो, नो नो, इसको नहीं, इसको नहीं, देखो देखो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाड करवा रहे हो ना? So, आज हो गया है अगला दिन। बाय द वे, ये देखिए, मैंने ये दोनों फ्लावर्स जो हैं मिक्स करके यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने बोला था कि मिक्स करके लगाइए तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लग रहा है ना? सो यस, आज है अगला दिन, आज है ट्यूसडे, एंड यूजुअली ट्यूसडे को शोएब का ऑफ होता है, लेकिन आज है उनका एपिसोड शूट, क्योंकि कल क्रिसमस के लिए हॉलीडे थी तो इसलिए कल शूट नहीं हुआ, आज शूट है। एंड आज मैं उनका परफॉर्मेंस देखने नहीं जा पाई, क्योंकि मैं यूजुअली आफ्टरनून में निकलती हूँ, लेकिन आज शोएब का पहला परफॉर्मेंस है इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस उनका था। तो उनका परफॉर्मेंस हो चुका है, कैसा हुआ है, क्या है, अभी मैं आपको नहीं बता सकती, सही वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब वो शूट पे होते हैं तो मैं कुछ ना कुछ घर से खाने के लिए ज़रूर भेजती हूँ, तो इसीलिए कुछ छोटा सा सिंपल सा भेज रही हूँ, ज़्यादा नहीं। क्या, चलिए देखते हैं। तो यहाँ चिकन मैंने बॉईल करवा के रखा है, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के,
और उसको अच्छे से खोलने दिया ताकि उसकी जो कच्ची सी महक है वो चली जाए। मैं आप लोगों से चिकन सैंडविच पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और वो भी प्रोसीजर सेम ही था, लेकिन आज जो मैं मेयो डाल के जो फिलिंग जो फाइनल रेडी करने वाली हूँ वो थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क है। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से झटपट से शेयर कर लेती हूँ और इस तरीके से इसको हम श्रेड कर लेंगे, क्योंकि ऐसे जब अनइवन पीसेस वो चिकन सैंडविच मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हाथ से ही कीजिएगा, इसका कोई शॉर्टकट वैसे नहीं है। आप चाहो तो फूड प्रोसेसर में घुमा सकते हो, लेकिन फिर वो एकदम छोटा छोटा कट जाएगा, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ। यहाँ हमारा ये श्रेडेड चिकन जो है वो रेडी है। ये देखिए बहुत अच्छे से श्रेड हो गया, वक्त लगता है पर कर लीजिएगा हाथ से प्लीज़। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में अब ले लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसमें हम डालेंगे एक क्यूब ऑफ बटर और इसमें ये एक बार पूरा पिघल जाए, फिर हमें पूरा जो हमारा श्रेडेड चिकन है ये अच्छे से टॉस करना है काफ़ी देर तक। अगर कम हो जाए तो थोड़ा सा बटर या ऑयल कुछ भी और ऐड कर लीजिएगा, मैंने भी थोड़ा ऐड किया था कि मेरे चिकन बहुत ज़्यादा है एंड दिस विल गिव अ नाइस फ्लेवर। और अब टाइम टू मिक्स ये छोटी कटी हुई कैप्सिकम और अनियन, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे अच्छे आते ना आपको, अच्छी बात आती है। पता लग गया, उधर देखो जा रहे, उसको पता लग गया। इधर देखना है, अब इधर नहीं देखोगे ना, उधर देखो, उधर इधर देखना है। रूहान की धना दीदी उसकी फेवरेट है, रोज़ आते जाते धना इससे बहुत गप्पे मारती है और रूहान भी उसे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। सुबह जैसे ही आती है उसे बड़ी सी स्माइल से वेलकम करता है, बड़ी अच्छी दोस्ती है दोनों की। चिकन हमारा हो गया है एकदम बढ़िया तरीके से रोस्ट, उसमें जो जो हीक होती है वो पूरी तरह से जा चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा मैं शॉट लेना भूल गई थी, लेकिन मैंने हल्का सा गर्म मसाला डाल दिया और अभी मुझे टेंशन नहीं, अभी अभिषेक आ गया है। और इसमें ये कैप्सिकम और अनियन जो चॉप करवा के मैंने रखे थे वो मैं मिक्स कर दूंगी। सो ये करीब 4 मीडियम साइज के अनियन हैं और 3 कैप्सिकम, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस दैट्स इट। देखिए मैं बहुत ज्यादा पोर्शन में बना रही हूँ एज ऑलवेज, इसीलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। आप जब अपने घर के लिए थोड़ा सा बनाएंगे ना तो एकदम फटाफट बनेगा, कुछ वक्त नहीं लगेगा। और ये इसमें मेयोनीज अच्छे से डालेंगे क्योंकि मजा तो इसी का है। मुझे तो आई थिंक पूरा पैकेट खत्म करना पड़ेगा। तो ये 4 पैकेट बोनलेस चिकन था, उसमें मैंने जैसे कि बताया मैंने 3 कैप्सिकम डाली हैं, 4 अनियन डाले हैं और 1 पूरा पैकेट वीवा की जो मेयोनीज आती है वो खत्म की है। अब देखते हैं ये सफिशिएंट होता है, मुझे लगता नहीं है, आई थिंक हमें और डालना पड़ेगा। हाफ पैकेट और मैंने अंदाजन मेयोनीज डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया एंड दैट वाज परफेक्ट, तो मुझे और डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके बाद इसमें डाला मैंने क्रीम चीज़, एक छोटा बॉक्स, ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है बस उतना ही। एंड फिर मैंने डाला पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च 4 टीस्पून्स। एंड उसके बाद मैंने डाला सॉल्ट एज पर योर टेस्ट और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये जो क्रीम चीज़ है स्पेसिफिकली, ये पूरी तरह से मिक्स होना घुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से वो क्रीमी यम्मी फ्लेवर आता है। ये रेडी हो गया है हमारा क्रीमी सा फिलिंग और धर्म दाल जो है ब्रेड के साइड्स कट कर रहे हैं और अब मैं उन्हें ये सौंप दूंगी क्योंकि रूहान को लग गई है भूख। तब तक मैं उसको उसका पपाया मैश करके खिलाती हूँ, तब तक धर्म दाल सैंडविच रेडी कर देंगे। अच्छा ना, टेस्टी टेस्टी है, आपको अच्छा लगा? अरे वाह वाह, ओए ओए, हाँ धीरे 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 धीरे, हाँ एक बनाना फॉर यू, मिक्स रिएक्शन, खा भी रहा है फिर खा रहा है।
चलिए तो ये सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो यहाँ दोनों दोनों मम्मी बैठी हैं, तो दोनों से टेस्ट करा लेते हैं। ये लो मम्मी, ये लो आप भी टेस्ट करो। सही है, ठीक तो नहीं रहा? नहीं पक्का? क्या नहीं रहा? वो कच्ची महक हाँ, आती है ना, कच्ची महक। हाँ जैसा नहीं, अच्छा पहली बार मैंने ऐसा खा है ना, सफेद वाला आप नहीं खाते। ठीक है, तो अभी सैंडविचेस रेडी हैं, जल्दी से कोल्ड कॉफी बना देती हूँ और फिर भेज देती हूँ। सो सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और यहाँ मैं कोल्ड कॉफ़ी भी भेजने वाली हूँ। तो ये मैंने हाफ लीटर दूध बॉईल करके रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। इसमें मैं अच्छे से ज़्यादा कॉफ़ी और ज़्यादा शुगर मिक्स कर रही हूँ और ये अब मैं दूध ले रही हूँ 4 लीटर्स, इसमें वो मिक्स कर दूँगी एंड अगर कुछ कमी लगी तो ऊपर से ऐड करूँगी। एंड अब जिस थर्मस में डालने से पहले मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेके एक क्विक विप दे रही हूँ ताकि फ्रॉथ भी आ जाए और ये जो आइस है वो क्रश हो जाए तो वो चिल्ड हो जाएगा। वैसे मैंने ये कॉफ़ी रेडी करते वक्त इतना दूध यहाँ वहाँ गिराया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, राइट? चलो जी, रेडी जल्दी जाओ। हाँ इनकी हेल्प के बिना कुछ भी पॉसिबल। चले गए हैं दादा, आई होप वो 1 घंटे में पहुंच जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट टाइम होगा वहाँ पे। और अभी रूहान मुझे बुला रहा है तो मैं उसको अटेंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। और ये सुकून से मुंह धो के कपड़े बदल के सो गया। मस्त खाया इसने पपाया ना? बहुत खाया और आज अच्छा सोया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो ये है लेटेस्ट जो मैंने रूहान के लिए शॉप किया है। बाय द वे आज मैंने उसे पपाया दिया था, थोड़ा सा मुझे स्टीम करना पड़ा क्योंकि पपाया जब मैं ऐसे ही मैश कर रही थी तो वो पूरा मैश नहीं हो रहा था, इट वॉज़ ए लिटिल सॉलिड। एंड रूहान को बहुत पसंद आया पपाया, बहुत ज़्यादा। और वो एक छोटा मतलब वो हल्का सा उसने एक बार किया तो आई गॉट अ लिटिल स्केर्ड, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम किया, जितना नॉर्मली एप्पल या पेयर को स्टीम करते हैं उतना नहीं किया, थोड़ा सा स्टीम किया और उसको प्यूरी बना के दिया। तो ही फिनिश द एंटायर थिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो भी आपने देखा वो कितना पीसफुली सोया है। कल उसे बनाना दिया था, बनाना भी उसे बहुत पसंद आया। हालांकि मेरे माइंड में ये था कि हम लोग हमेशा हम लोग यही बोलते हैं ना कि सर्दी होती है तो बनाना नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं, आप उसे दिन में दे सकते हो। और मैंने दिया तो एज सच मैंने ये फील नहीं किया कि बनाना की वजह से उसकी सर्दी बड़ी हो, ये मैंने कल फील नहीं किया। सो दैट एंड 6 months ऑफ एक्सक्लूसिव माई फीड ब्रेस्ट फीड इज डन। अभी हमने उसको 22nd से जो है थोड़ा सा पानी देना स्टार्ट किया है। उसके साथ आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा कि फर्स्ट डे हमने उसे एप्पल दिया था प्यूरी करके, जो इसे ओके पसंद आया, ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया उसने एप्पल। आई थिंक वो बिल्कुल मुझ पे गया है क्योंकि मुझे एप्पल खाते ही हल्का कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उसने खाया फिर जोर जोर से ना ऐसे वो जैसे क्रैम्प वाला पेन ही होता है वैसे चीख चीख के थोड़ा सा वो रोने अनइजीनेस करने लगा था, तो हमने एप्पल वहाँ पे बंद कर दिया। देन नेक्स्ट डे मैंने उसको पैर दिया, पैर उसने एक दिन बहुत इन्जॉय किया, फिर सेकेंड डे उसने 2 bites में अटैक कर दिया तो वो भी मैंने नहीं दिया। बनाना ही रियली इन्जॉयड जो आपने देखा। एंड वो चेयर पे बैठा है, बाय द वे विनीत अगर ये ब्लॉग देख रहा है तो वो चेयर विनीत की गिफ्ट है और अभी फाइनली उसका सही उपयोग हो रहा है, तो आई एम श्योर विनीत ये देख के बहुत खुश होगा। एंड आज मैंने उसे दिया है पपाया। अब मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो वो कह रहे हैं ऑल्टरनेटली 3 feeds तक हम उसे बनाना देंगे और फिर पपाया इसी में आने वाले 6 दिन करेंगे। एंड वंस वी आर श्योर कि ही इज कंफर्टेबल विथ 1 feed फिर हम उसकी 2nd feed इंक्लूड करेंगे। सो आई यहाँ पे मेरे जो गाइडेंस के लिए हैं वो एक डॉक्टर दीपक उगरा जो रूहान के पीडियाट्रिशियन हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर मुग्धा जोशी जो कि एक्चुअली जिनको मैंने कंसल्ट करना शुरू किया था ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मेरी गाइडेंस के लिए, और अब वो एक स्पेशल प्रोग्राम रन करती हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग एक्सटर्नल फीड्स फॉर योर चाइल्ड, तो उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। सो दीज 2 people आर लाइक माई एकदम गो टू सपोर्ट। सो ये मैंने ऑर्डर किया है, ब्रांड ये है EZPZ, आई डोंट नो हाउ डू यू कॉल इट। ये एक्चुअली वो जो मैंने आपको मिल्क पॉप्सिकल्स दिखाए थे वो भी वो जो था वो इसी ब्रांड का था और ये इंडिया में
ऑल थिंग्स बेबी करके जो पेज है वहां पे अवेलेबल होता है एंड दे आर वेरी नाइस यू नो. इसमें एक ग्लास था, वो ग्लास मैंने यूज कर लिया है तो वो किचन में वॉश करने के लिए है. एंड मैं आपको स्पून दिखाती हूँ. ओ जी ये देखिए. और ये ना बहुत सॉफ्ट है एंड शेप वाइज एकदम परफेक्ट है फॉर योर बेबी टू हैव इट. तो ये सारे फर्स्ट बोल सेट है. फाइनली मुझे एक अच्छा टीदर भी मिल गया, तो इनके ही पेज पे टीदर भी अवेलेबल था तो मैंने टीदर भी ऑर्डर किया है. और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये भी हालांकि मैंने तो ये रूहान के लिए ही मंगाया है. तो मैंने दो सेट मंगा लिए हैं. एक ग्रे कलर में ये है ग्लास, क्यूट है, और ये प्लेट के साथ फिटेड बोल है एज इन वो बेस के साथ. एंड ये दो स्पून्स और ऐसे ही पूरा जो है इस कलर में भी है. एंड ये है इसके टीदर्स. सबसे क्यूट लगता है मुझे कि वो उधर चेयर पे बैठ के अपना फीड जो है आराम से इंजॉय करता है. आज तो वो पपाया मतलब करके खा रहा था वो पीस. एक दो बार तो मैं और मम्मी हम सब डर गए थे कि वो कहीं अटक ना जाए, बट नो वी वुड. सो चलिए ये व्लॉग मैं आज यहीं एंड कर रही हूँ. अब जैसे जैसे रूहान की जर्नी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूंगी. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में. एंड तुझे सैंडविच कैसा लगा? अच्छा. सो अभिषेक ने भी सैंडविच खाया, उसे भी अच्छा लगा. लव यू ऑल.